दोस्तों बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप पर जानलेवा हमला कराया जा सकता है। दोस्तों मनीष कश्यप की जान को खतरा है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, बिहार का लाल और आज का भगत सिंह कहे जाने वाले मनीष कश्यप के जान को खतरा है और ये बहुत भीतर से ये खबर आ रही है। जिस तरीके से मनीष कश्यप बेबाकी से विरोधियों की फाड़ रहे हैं, जिस तरीके से मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अब एक नया मनीष कश्यप का जन्म हुआ है जेल से आने के बाद जो विरोधियों की फाड़ कर रख देगा, तो विरोधी लोगों से भी एक खबर आ रही है कि मनीष कश्यप पर हमला करवाया जा सकता है। मनीष कश्यप की सुरक्षा को लेकर के मनीष कश्यप के मित्र या मनीष कश्यप के समर्थक सभी लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सुरक्षा बल के कहीं भी चले जा रहे हैं, और बता दूं मैं आपको कि ये मनीष कश्यप के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मनीष कश्यप को जिससे लड़ाई है, मनीष कश्यप जिस विरोधी को फाड़ के रख रहे हैं या मनीष कश्यप जिसको रेल रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं। तो भैया मनीष कश्यप के जान को खतरा है और इसीलिए मनीष कश्यप के मित्र, मनीष कश्यप के समर्थक बिहार सरकार से ये कह रही है, केंद्र सरकार से कह रही है, बिहार सरकार से कह रही है, नहीं मानेंगे तो केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मनीष कश्यप को सुरक्षा दिया जाए, उनकी जान को खतरा है। और ये सच है, जिस तरीके से मनीष कश्यप कहीं भी किसी से मिलने चले जा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा शहीद चंदन सिंह के घर गए थे, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग, असहाय लोग, जरूरतमंद लोग हैं, उनके पास वो जा रहे हैं बिना सुरक्षा के और सभी को गले से लगा भी ले रहे हैं, सबको अपना समझते। देखिए भैया, जो इंसान जैसा होता है उसको अगला इंसान वैसा ही लगता है। मनीष कश्यप दिल के है साफ आदमी, उनको लगता है कि अगला आदमी भी दिल का साफ है होगा, लेकिन कौन जानता है कि गिदर के झुंड में एगो कोनो सियार घुसल है। मतलब कि कहने का मतलब है कि कौन जान रहा है कि 100 गो अच्छे मिल गया, एक गो उनका दुश्मने मिल गया, वो दुश्मन कुछ गलती कर दिया, कुछ हमला कर दिया। तो इसीलिए मनीष कश्यप की सुरक्षा को लेकर के मांग की जा रही है कि पुलिस सुरक्षा दी जाए, पुलिस बल मनीष कश्यप को दिया जाए। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर एक बार आवाज मनीष कश्यप के लिए उठाइएगा कि हाँ उनको सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि जैसे देख सकते हैं, वो छोटा ऐसा मेला लगता है हमारे गांव में, तो वहां पे 2-3 को पुलिस आ जाता है, और तो और यहां पर कोई आर्टिस्ट आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, जैसे सनी लियोनी आई तो पूरा बिहार सरकार का पूरा बिहार पुलिस उनके पीछे पड़ गया, मतलब सपोर्ट में, सुरक्षा में पड़ गया। ये कहने का मतलब उल्टा नहीं समझिएगा, सुरक्षा में मतलब तैनात हो गए। तो उसी तरीके से मनीष कश्यप जो बिहार की बात कर रहे हैं, ब्रांड ऑफ बिहार है, और मनीष कश्यप क्या है किसको नहीं पता है, सरकार हिलाने वाला इंसान मनीष कश्यप, तो जो सरकार हिला सकता है, सत्ता हिला सकती है, जिसके लोग इतने चाहने वाले हैं, तो भैया उसको सुरक्षा क्यों नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमारे लोग हैं जितने समर्थक हैं, मनीष कश्यप के मित्र कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया को सिक्योरिटी मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ मनीष कश्यप को नहीं मिले। तो इन सब चीजों पर बिहार सरकार को देखना चाहिए और मनीष कश्यप को सिक्योरिटी देनी चाहिए। भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हमेशा से मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े रहे हैं, एक बार फिर से मनीष कश्यप के समर्थन में मनीष कश्यप के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव समेत बिहार सरकार पर धावा बोल दिया है। तेजस्वी यादव को भी लिए, ऊपर से ऊपर लालू यादव को भी लिए, ऊपर से ऊपर राजद को भी लिए, और ऊपर से ऊपर नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़े। पूरे तरीके से समझिए कि बिहार सरकार को लपेट दिए हैं। तो पूरा वीडियो क्लिप तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा सा दिखा देते हैं, जिसमें विजय कुमार सिन्हा ने मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार सरकार को रेला है। ये जो शब्द है थोड़ा मनीष कश्यप का भाषा का है, तो इसको बर्दाश्त कीजिएगा जो लोग नहीं करते हैं, तो वीडियो क्लिप देख लीजिए। आज कोई पत्रकार सत्य को नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे आप मनीष कश्यप की तरह जेल भेजेंगे। कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर FIR कर करके उसको डराने का और जेल भेजने का खेल खेलेंगे। और सत्ता में जब तक ये लोग राजद के लोग रहेंगे, बिहार के अंदर सुशासन नहीं आ सकता। सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता रहा है।